नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सौरभ कोचिंग क्लासेस, जहां मैं आपको एजुकेशन संबंधित और टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आज मैं आपको मेरा टॉपिक आपको मेरे सामने से पता चल गया होगा कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। आज का मेरा टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, तो उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, और नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिसके लिए मैं नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो मैं आज बताऊँगा BBA का फुल फॉर्म, वो भी हिंदी में बताऊँगा आपको। तो BBA का फुल फॉर्म हिंदी में बताऊँगा, BBA क्या होता है, सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आप इस वीडियो को आगे ना करें, कृपया इस वीडियो की बारीकी को समझे और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप करेक्ट करें, जो आपके फ्यूचर में बहुत मदद करेगी। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इसमें आपको शॉर्ट लैंग्वेज में आपको देने की कोशिश करूंगा BBA। यदि आपने अभी 12th पास आउट की है तो आपके लिए BBA की, यदि आप BBA करना चाहते हो तो इस वीडियो से ज़्यादा कोई सी वीडियो देखना आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सब बता दूंगा BBA के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो BBA का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसको हिंदी में व्यवसाय प्रशासन स्नातक कहते हैं। और जैसे ही आप BBA की फुल फॉर्म पढ़कर समझ गए होंगे कि BBA क्या है, तो चलिए BBA के अन्य इन्फॉर्मेशन करेक्ट करते हैं। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक अंडर ग्रेजुएट शिक्षक डिग्री होती है, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एक कोर्स का कार्यक्रम के लिए प्रदान की जाती है। इसलिए इसमें BBA के नाम से जाना जाता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्नातक समकक्ष रूप होता है। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स की अवधि 3 से 4 साल होती है। BBA कोर्स को कोई सेमेस्टर में विभाजित किया जाता है, कई सेमेस्टर में विभाजित किया जाता है। BBA का कोर्स को फुल टाइम ग्रेजुएट कोर्स और या 5 टाइम ग्रेजुएट कोर्स के रूप में भी किया जाता है। BBA कोर्स प्रबंध शिक्षा के बारे में बुनियादी समझ, यदि आपको मेरी जो मैं बोल रहा हूँ यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रोक कर जो मैंने लिखा है उसको पढ़ सकते हैं, ओके। और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यदि आपको पूरी वीडियो देखने के बाद यदि लगे कि हाँ यार इस वीडियो में कुछ है, तो प्लीज़ अपने व्हाट्सअप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनको भी पता चलेगा कि BBA क्या होता है, उनको भी BBA के बारे में नॉलेज होगी, ओके। और संचार कौशल में छात्रों को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण करने के लिए एक डिजाइन किया गया है, जो उद्यमिता कौशल को विकसित करता है। BBA कोर्स में छात्रों को मैनेजमेंट प्रोफेशनल नए बनाए जा रहे अवसरों का पता लगाने के लिए तैयार किया जाता है। व्यवसाय प्रशासन अध्ययन पद्धति में मामले के अध्ययन, परियोजना प्रस्तुतिकरण, उद्योगित यात्राओं और उद्योगों के विशेषज्ञों के साथ बातचीत के रूप में व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से प्रशिक्षण शामिल है। इसमें मुख्य रूप से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस स्टडी, मैनेजमेंट स्टडी में बैचलर डिग्री कोर्स को विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न नामों से बुलाया जाता है। इसलिए उनके पास विभिन्न नामों होंगे, जैसे BBM, BBS, BMS कोर्स, जिसमें सभी एक ही समान होते हैं। BBA के कोर्स को पूरा करने के बाद एक्सटीव लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो सकते हैं। BBA एक बेहतर करियर संभावना के लिए कोर्स के बाद MBA की डिग्री करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसका तात्पर्य यह निकलता है, यदि आप BBA कर लेते हो तो इसके बाद MBA करना ना भूलें, ये भी आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल जाएगा। नेक्स्ट में मैं बताऊंगा कि BBA कोर्स को करने के लिए आपको कितनी योग्यता की ज़रूरत होती है। BBA करने के लिए कितनी योग्यता की ज़रूरत होती है, तो BBA कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको 12th 10+2 पास होना चाहिए, और इसमें कम से कम 50% मार्क लाना भी अनिवार्य होता है। अगर आपका 12th में कर रहे हैं तो आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। आमतौर पर BBA, BSc, BBS, BMS में प्रवेश करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रवेश परीक्षा ली जाती है, ऑब्जेक्ट टाइप, लेकिन कुछ कॉलेजों में BBA में स्टूडेंट का एडमिशन डायरेक्ट कर लेते हैं, और वही कुछ एडमिशन के लिए इंटरन एग्जाम भी कराते हैं। BBA करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। अब सवाल आता है कि सैलरी में, क्योंकि BBA करने के बाद सब छात्रों के मन में सैलरी की बात जरूर आती होगी कि भाई मैं BBA कर लूँगा तो उसके बाद मुझे सैलरी कितनी आएगी मिलेगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि BBA करने के बाद मिलने वाली सैलरी कंपनी के अनुसार डिफरेंट हो सकती है, जिस कंपनी में आप करोगे। दोस्तों, अगर आपको शुरुआती सैलरी की बात करें तो कम से कम 15,000 से 20,000 तो रहती है। हालांकि कुछ कंपटीशन कंपनियों में अपनी
इससे ज़्यादा भी सैलरी दे सकते हैं। तो अब इसके लिए कितने सिलेबस होती है, तो फर्स्ट सेमेस्टर होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर फाउंडेशन, फिजिकल अकाउंटेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो आप वीडियो को पोस्ट कर भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर, इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, मैं 6 सेमेस्टर के अंदर कितने कितने सब्जेक्ट होते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है और आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना है यदि आपको BBA करना है। तो BBA को कोर्स सेमेस्टर में 6 सेमेस्टरों में बांटा गया है। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर को आपको बता दिया है पूरा डिफरेंटली। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है। तो सेकंड सेमेस्टर आने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मैं इसके पहले आपको MBA के बारे में वीडियो दे चुका हूँ। यदि आपको वीडियो नहीं मिली है तो आपको ऊपर आइकन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें आता है सेकंड सेमेस्टर आपका आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कॉस्ट अकाउंटेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल, क्वालिफिकेशन टेक्निक्स ऑपरेशन रिसर्च इन मैनेजमेंट। ओके, इसके बाद जो इसका थर्ड सेमेस्टर रहता है वो भी बिल्कुल ईजी सेमेस्टर रहता है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर सको आप प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन करेक्ट करना। तो इंडियन इकोनॉमी मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिलीवर, ये थर्ड सेमेस्टर में आते हैं। मैं पूरे 6 सेमेस्टर के वो मतलब देने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ करेक्ट करें इन इन्फॉर्मेशन को। पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी स्किल। फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, बिजनेस लॉस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, SR मैनेजमेंट, मार्केटिंग, लीचर्स, टैक्सिंग, लॉस। अब इसके बाद चलते हैं फाइव सेमेस्टर की ओर चलते हैं। तो फाइव सेमेस्टर में भी कुछ नहीं है। पहला इसमें है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में भी वही ऑप्शन रहेंगे जो आपको मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो फोर्थ में है वही फाइफ्थ में है, थोड़ा सा बेसिकली अंतर पड़ेगा और कुछ नहीं आएगा इसमें। तो मैं आपको उसको मतलब उसके बाद जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ मैंने इसके पहले मैंने MPA MP के बारे में GK की नॉलेज दे चुका हूँ आपको। यदि वो वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, ऊपर आइकन आ रहा होगा और इसकी मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं। देन इसके बाद मैं आपको बताऊँगा जो फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट, वैल्यू इटेक्स इन मैनेजमेंट। अब इसमें जो सिक्स्थ सेमेस्टर आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका डिसाइड करता है पूरे सेमेस्टर को। तो बिजनेस पॉलिसी एंड स्टेशनरी इंटरशिप इन डेवलपमेंट इन्वॉल्वमेंटल साइंस इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोडक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एवल्यूशन। प्लीज़ इस वीडियो को पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी लगे अच्छा इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ ये दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी इन BBA के बारे में फुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो पाए। धन्यवाद। बेसिक सब्जेक्ट की भी मैं बात कर देता हूँ इस वीडियो में आपको, थोड़ा वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अकाउंटेंट इकोनॉमिक्स ऑपरेशन मैनेजमेंट बिजनेस लॉस एंड इथिक्स ऑर्गेनाइजेशनल विजिबल मार्केटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट वुमेन रिसोर्स मैनेजमेंट ETC। देन इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट BBA के बाद रोजगार के क्षेत्र बताइए। तो BBA के बाद क्या रोजगार के क्या क्षेत्र होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा पहला होता है बैंकिंग, दूसरा होता है बिजनेस हाउस। तो आगे जाने के पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ, नहीं, बट आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कॉमर्स क्लास 12 से संबंधित, बिजनेस इकोनॉमिक्स अकाउंटेंट से संबंधित मैंने वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें यदि आप 12th क्लास में हो कॉमर्स सब्जेक्ट से। तो एक्सपोर्ट कंपनीज इंडस्ट्रीज हाउस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन इंडस्ट्री मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कैलकुलेशन एंड मल्टीनल कंपनीज। ओके, तो अब इसके बाद क्वेश्चन आता है BBA के बाद जॉब को प्रोफाइल बताइए। तो वो भी मैं बता दूंगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। बिजनेस काउंसलेशन एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च। ओके,
तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सब क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वुमेन्स रिसोर्स मैनेजर, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, प्रोडक्ट्स मैनेजर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मार्केटिंग मैनेजर। अब इसके बाद बात करते हैं बीबीए के बाद कि कौन से टॉप कोर्स होते हैं। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें आप और इसमें आप इन्फॉर्मेशन करेक्ट करें। तो अब सवाल आता है कि बीबीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद क्या कोर्स किया जाता है। तो बीबीए के करने के बाद आपके पास कई कोर्स का ऑप्शन रहते हैं, विकल्प रहते हैं आपके पास। आप अपने ट्रेनिंग प्रोफेशनल स्किल सेट के अनुसार आप इन कोर्सों को कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत कोर्स में से एक कोई भी कोर्स कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल का नाम है सौरभ कोचिंग क्लासेस। धन्यवाद सर, बाय बाय।